भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के चंद्रयान 2 के विक्रम ऑर्बिटर से संपर्क न होने की परेशानी भले ही ना दूर हुई हो, लेकिन अब चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने चंद्रमा के भारी वातावरण में ऑर्गन 40 का पता लगाया है। इसरो ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। इस अध्ययन के लिए चंद्रयान 2 ऑर्बिटर पर चंद्र एटमोस्फेयरिंग कंपोजिशन एक्सप्लोरर 2 CHACE2 पेलोड मौजूद है। ये न्यूट्रल मास स्पेक्ट्रोमीटर आधारित पेलोड है जो 1 से 300 AMU परमाणु द्रव्यमान इकाई की सीमा में चंद्रमा के उदासीन भारी वायुमंडल के घटकों, वायुमंडल बनाने वाले तत्वों का पता लगा सकता है। इस पेलोड ने अपने शुरुआती ऑपरेशन के दौरान 100 किलोमीटर की ऊंचाई से चंद्रमा के भारी वायुमंडल में ऑर्गन 40 का पता लगाया है, और वो भी दिन रात की विविधताओं को कैप्चर करते हुए। ऑर्गन 40 चंद्रमा की सतह पर तापमान में बदलाव और दबाव पड़ने पर संघनित होने वाली गैस है। ये चंद्रमा पर होने वाली लंबी रात लूनर नाइट के दौरान संघनित होती है, जबकि चंद्रमा पर सुबह होने के बाद ऑर्गन 40 यहाँ से निकलकर चंद्रमा के भारी वायुमंडल में जाने लगती है। चंद्रमा पर दिन और रात के समय चंद्रयान 2 की एक परिक्रमा के दौरान ऑर्गन 40 में आने वाले अंतर को देखा गया है। औद्योगिक क्षेत्र में काम की है गैस। दरअसल ऑर्गन गैस का इस्तेमाल औद्योगिक क्षेत्र के कामकाज में अधिक होता है। ये फ्लोरोसेंट लाइट और वेल्डिंग के काम में भी इस्तेमाल होती है। इस गैस की मदद से सालों साल किसी वस्तु को यथावत संरक्षित रखा जा सकता है। इस गैस की मदद से ठंडे वातावरण को रूम टेम्परेचर पर रखा जा सकता है, इसलिए गहरे समुद्र में जाने वाले गोताखोरों की पोशाक में इस गैस का उपयोग किया जाता है। चांद का बाहरी वायुमंडल बनाने में अहम। चंद्रमा के बाहरी वायुमंडल को बनाने में ऑर्गन 40 AR की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये नोबल गैस, निष्क्रिय गैस जो किसी के साथ क्रिया नहीं करती, का एक आइसोटॉप्स तत्व के अलग अलग प्रकार के अणुओं में से एक अणु है। ये ऑर्गन 40 पोटेशियम 40 के रेडियोधर्मी विघटन से उत्पन्न होती है। इसकी हाफ लाइफ 91 अरब 20 करोड़ वर्ष है। रेडियोधर्मी पोटेशियम 40 न्यूक्लाइड चंद्रमा की सतह के काफ़ी नीचे मौजूद होता है। ये विघटित होकर ऑर्गन 40 बन जाता है। इसके बाद ये गैस चंद्रमा की अंदरूनी सतह में मौजूद कणों के बीच रास्ता बनाते हुए बाहर निकलकर बाहरी वायुमंडल तक पहुंचती है। चारों ओर से घेरे है गैस आवरण। खगोल वैज्ञानिक चंद्रमा को चारों ओर से घेरे गैसों के आवरण को लूनर एक्सोस्फीयर यानी चंद्रमा का बाहरी वातावरण कहते हैं। इसकी वजह ये है क्योंकि ये वातावरण इतना हल्का होता है कि गैसों के परमाणु एक दूसरे से बहुत कम टकराते हैं। जहां पृथ्वी के वायुमंडल में मध्य समुद्र तल के पास 1 घन सेंटीमीटर में परमाणुओं की मात्रा 10^19 यानी 10^19 होती है, चंद्रमा के बाहरी वायुमंडल में ये 1 घन मीटर में 10^4 से 6 तक होते हैं, यानी 10,000 से लेकर 10,00,000 तक।